मेरा नाम है अमरजोत सिंह और मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ कनाडा में। आपको मालूम है कि आजकल जितने भी कॉलेजेस हैं यूएस में और कनाडा में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो ढूंढ रहे हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं, इस करके अच्छे स्टूडेंट्स की फाइल उनके पास आ नहीं रही हैं। और जिनकी आती है, क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन करके उनको पोस्टपोन करना पड़ता है, उनसे कहना पड़ता है कि आप बाद में आना, अगले सेमेस्टर आना या ऑनलाइन पढ़ना। जो स्टूडेंट्स कनाडा पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो स्टूडेंट्स आके पैसा खर्च करते हैं यहाँ पर और कैंपस में रहते हैं, फिर हाउसिंग कॉस्ट है, मिसलिनियस कॉस्ट है, ये सब कमाइयाँ कॉलेज को होती है। कई कॉलेज ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के ट्यूशन पे ही चलते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई आपने टोरंटो के कॉलेजेस हैं और नोवा स्कोशिया की तरफ भी कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर 30-40% जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है वो विदेशी है। दैट मीन्स के फॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं और उनके सिर पे जो 3 गुना जो ट्यूशन लेते हैं उससे उनका खर्चा चलता है। कॉलेजेस को तो पे करना पड़ता है, प्रोफेसर को पे करना पड़ता है और जो उनके जो लोकल इंटरनल जो खर्चे हैं उसके सारे उनका जो खर्चा वहाँ का वहाँ बना रहता है, चाहे स्टूडेंट वहाँ आए ना आए। इसलिए स्टूडेंट्स की एक डेस्परेशन है कि अच्छे स्टूडेंट्स आएं और स्टूडेंट्स वहाँ आके वहाँ पर रहें। इसलिए आजकल कॉलेजेस का ट्रेंड ये है कि आपको वो डिस्काउंट देने को भी तैयार है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी ट्यूशन फीस $20,000 है, आपकी ग्रेड्स अच्छे हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपको अट्रैक्ट करना कॉलेजेस की एक डेस्परेशन आज बन गई है। दैट मीन्स के कॉलेज आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपको चाहे उनको डिस्काउंट देना पड़े ट्यूशन का तो वो भी देने को तैयार है। अगर आपका एडमिशन हो रहा है, एडमिशन हो चुका है, आपने अभी तक ट्यूशन पे नहीं करी, तो ये अच्छा मौका है। आप कॉलेजेस को कह सकते हैं, भाई आप मेरे को कोई डिस्काउंट दोगे? अगर ट्यूशन फीस है $16,000 या $15,000 या $20,000 तक, अगर आप 10% भी स्टूडेंट अगर आप डिस्काउंट मान के चलो, तो 1500 से लेकर $2,000 तक का आपको एक डिस्काउंट मिल सकता है ट्यूशन में, जो आपके लिए एक फ्री टिकट लेकर आएगा। तो ये आप करें। मैंने अभी एक फाइल लगाई थी यहाँ एल्बर्टा में और मैंने उस कॉलेज को बोला मैंने कि आप इसको ये क्या डिस्काउंट दोगे, अगर डिस्काउंट नहीं देते तो हम ये कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑफर है। तो कॉलेज कहता नहीं नहीं आन दो, हमें ये स्टूडेंट चाहिए। तो मैंने कहा तो आप इसको डिस्काउंट दो, उन्होंने इसको $1,800 का डिस्काउंट दे दिया। डैट मीन्स कि 1800 उस स्टूडेंट की जेब में आ गए। इस करके अगर आपकी कोई फाइल पेंडिंग है और आप चाहते हो कि अगर कोई डिस्काउंट मिल जाए तो आप जरूर ट्राई करो, और अगर आपसे नहीं होता तो मेरे को कॉल करो, मैं आपके लिए डिस्काउंट लेके दूंगा और थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। तो ये मेरे को कहना था। और मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ ये यूएस की न्यूज़ है। यूएस में कुछ कॉलेजेस के अगेंस्ट उन्होंने स्टूडेंटों ने मुकदमा भी कर दिया कि मेरी ट्यूशन वापस करो, क्योंकि हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उतनी हमने ट्यूशन फीस क्यों दी। तो ये ट्रेंड है और ये शुरू हो चुका है। अगर आपको फायदा इसका लेना है तो जरूर आप ट्राई करो, नहीं है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज शेयर दिस विद अदर अदर स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स कैनेडा में हो चाहे वो इंडिया में हो, तो आपको डिस्काउंट के लिए जरूर आपको, जैसे आप कार कार लेते हो, घर लेते हो, कुछ भी लेते हो, मोल भाव करते हो ना, थोड़ा हैगल करते हो कि भाई ये प्राइस कम कर दो, वैसे कॉलेजेस से भी करो। कॉलेज तो आपको एक ऐसा क्लाइंट ही देखते हैं, और अगर वो आपको क्लाइंट जैसे देख रहे हैं तो आप भी उनको क्लाइंट देखो, आप भी अपनी शॉप शॉप करो। यू जस्ट कंपेयर विथ 3-4 कॉलेजेस, देखो कौन आपको बेस्ट डील देता है एंड सब गेट सम डिस्काउंट। थैंक यू।